पबजी पार्टनर के प्यार की खातिर चार बच्चों संग पाकिस्तान से रबुपुरा आई सीमा हैदर ने नेपाल से लेकर हिंदुस्तान तक हिंदुत्व और भारतीय संस्कृति को ढाल बनाया। इससे वो गहन जांच से बच गई, साथ ही उसे बड़े तबके का समर्थन भी मिल रहा है। सीमा गुलाम हैदर नाम से नेपाल का वीजा नहीं मिलने पर उसने सीमा के नाम से वीजा बनवाया। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट के वकील एपी सिंह ने सीमा की ओर से राष्ट्रपति के नाम दया याचिका दी है। इसमें भी सीमा के सचिन से प्यार व भारतीय संस्कृति से प्रभावित होकर हिंदू धर्म अपनाने का हवाला दिया गया। याचिका में उसे पाकिस्तान नहीं भेजने और सचिन की पत्नी बताकर भारतीय नागरिकता देने की मांग की गई है। सीमा के पास से पुलिस ने 6 पासपोर्ट बरामद किए हैं। 6ठे पासपोर्ट के संबंध में शुक्रवार को उसने कहा कि पहले नेपाल का वीजा लेने के लिए सीमा गुलाम हैदर का नाम से आवेदन किया था। वीजा नहीं मिलने पर उसने दोबारा सीमा नाम से आवेदन किया था। इसके अलावा नेपाल में होटल का रूम भी सचिन ने सीमा को पत्नी बताकर बुक कराया था। सीमा ने नेपाल के पोखरा से भारत आने के लिए जो बस का टिकट बुक कराया था, वहां भी उसने खुद को भारतीय बताया था। उसने यहां अपना नाम प्रीति बताया था। उसने उसके पास पहचान पत्र होने का भी हवाला दिया। बस में भी चेकिंग के दौरान भी उसने खुद को रघुपुरा निवासी सचिन की पत्नी बताया। अंबेडकर नगर किराए के घर में भी वो हिंदू धर्म का पालन करती थी। जमानत मिलने के बाद भी उसने पूजा पाठ आदि कर जन समर्थन जुटा लिया। सुप्रीम कोर्ट के वकील एपी सिंह और सचिन मीणा के पिता नेत्रपाल के साथ शुक्रवार को राष्ट्रपति भवन पहुंचे। उन्होंने सीमा की तरफ से दया याचिका दायर की। एपी सिंह का कहना है कि सीमा का अपने पूर्व पति गुलाम हैदर से तलाक हो चुका है। उसने सचिन मीणा संग प्रेम विवाह किया है। सीमा भारतीय संस्कृति से प्यार करती है। अगर उसे पाकिस्तान भेजा गया तो उसकी वहां उसकी जान को खतरा हो सकता है। अगर कोई शंका है तो एजेंसियों को जांच कर लेनी चाहिए। एजेंसियां चाहे तो पॉलीग्राफ और ब्रेन मैपिंग जैसे टेस्ट भी करा सकती हैं। लोग उसके बच्चों पर शक कर रहे हैं तो उनका डीएनए टेस्ट करा लेना चाहिए। सीमा ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अपील करते हुए कहा था कि मुझे यहां रहने दिया जाए। सीमा हैदर बार बार ये बोल रही है कि वो अपने प्यार के लिए भारत आई है। उसे जब वीजा नहीं मिला तो यह रास्ता अपनाना पड़ा। बता दें कि सीमा हैदर और नोएडा का रहने वाला सचिन मीणा दोनों पबजी गेम खेलते थे। साल 2019 में गेम खेलते खेलते दोनों ने नंबर एक्सचेंज किया और बातचीत होने लगी। ये सिलसिला इस कदर आगे बढ़ा कि दोनों एक दूसरे को चाहने लगे और साथ रहने का प्लान बना लिया। सीमा और सचिन ने मिलने की तैयारी की। 3 साल तक चली बातचीत के बाद दोनों ने नेपाल में मिले और एक होटल में 7 दिन गुजारे। दोनों वहां घुसे। सीमा और सचिन का दावा है कि वहां दोनों ने शादी कर ली। इसके बाद सीमा अपने 4 बच्चों को लेकर अवैध रूप से नोएडा पहुंच गई। करीब 15 दिन बाद जब ये केस सामने आया तो सनसनी फैल गई। सीमा पर जासूस होने का शक गहरा गया। पुलिस ने सीमा को अरेस्ट कर लिया। इसके बाद उसे कोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ रिहा कर दिया। सीमा से जब मीडिया ने बात की तो उसने हर बार यही कहा कि वो सचिन के साथ रहना चाहती है, सचिन से प्यार करती है। अब वो हिंदू हो गई है और उसके बच्चे सचिन को पापा बोलते हैं। वही सऊदी अरब में रह रहा सीमा हैदर का पति गुलाम हैदर ने भी वीडियो जारी कर अपील की कि सीमा और उसके बच्चों को मोदी सरकार वापस पाकिस्तान भिजवा दे। जबकि सीमा ने कहा कि गुलाम हैदर 3 साल पहले सऊदी चला गया था, तब से वापस नहीं आया और उसका गुलाम से तलाक हो चुका है। कुछ वक्त पहले पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर अवैध तरीके से भारत आई। अब उसे और उसके भारतीय प्रेमी सचिन मीणा को लेकर काफ़ी चर्चा हो रही है। इन दोनों को हाल ही में एक अदालत ने जमानत दी। इससे पहले सीमा के भारत में अवैध रूप से रहने को लेकर उसे और सचिन मीणा दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। इस मामले में फिलहाल जाँच जारी है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताज़ा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भी, निरंतर।